इस वक्त मेरी हालत जो है ना फुल पतली हो चुकी है इनको टहला टहला के। बिल्ली को देख लेते ना फिर ये खींच खींच के अपनी मतलब लेके वाट लगा देते हैं हाथों की। बस अब इनको घर पे लेके जाते हैं भाई, वरना तो ये दिवालिया निकाल देंगे मेरा। इससे पहले कि कोई सीन हो, कोई चीज इनको नजर आए, क्योंकि इनकी नाक इतनी तेज है, फौरन बिल्ली की फौरन तलाश कर लेते हैं। गाइस अभी तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और आपका भाई इनको केएफसी खिलाने वाला है। ये चेक करो इनका खाना, केएफसी नहीं है भाई, ये बॉइल्ड चिकन है। और इस केएफसी बकेट में मैंने इनको डाल के देना है। आपके भाई के जो प्यारे प्यारे से हस्की है ना, वो बाहर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे भाई साहब ये तो पागल हो रहे हैं खाने के लिए। अभी इनकी आंखों को क्या हो गया, लाल हो गई है फुल। अबे भाई दे रहा हूँ, सबर कर लो, दे रहा हूँ। खाओ खाओ खाओ। केएफसी के अंदर इनको देना पड़ रहा है भाई, दोनों को गरम करके बॉइल्ड करके केएफसी बकेट के अंदर खाना दे रहा है आपका भाई। भाई साहब पूरी बकेट थी, सारा का सारा खा गए। अबे तुम लोग तो फुल खा पड़ो यार। दोनों माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्यारे हैं और दोनों ऐसे हो गए फुल शरीफ, फाद भाई के मतलब दोस्त बन गए दोनों। अब आपका भाई इनको टहलाने निकला था, मगर ये तो आपके भाई को ही टहला रहे हैं यार। अबे भाई साहब ये क्या सीन है, ये तो उल्टा मुझे ही टहलाने लग गए, सांस फूल गई, मेरी हालत खराब हो गई भाई, पसीने पसीने हो गया। ये तो चलाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को, खजाने के पास लेके जा रहे हो क्या? साहब आपके भाई के हाथ में दर्द हो गया, इसको चला चला के ना इनकी अपनी मर्जी से ये जा रहे हैं, मतलब इनका जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ फातबे को खींच के लेके जा रहे हैं। यार ये चेक करो, पूरा जंजीर से ना मेरा पूरा हाथ जो है ना, पूरे हाथ की शक्ल ही चेंज हो गई भाई साहब, और हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं भाई। बहुत खतरनाक चीज है ये, मतलब तुम लोग तो संभाल ही नहीं सकते इसको, कोई बॉडी बिल्डर चाहिए जैसे आपका भाई। ओ भाई साहब गोलगप्पे वाला, ओ भाई साहब गोलगप्पे वाला अभी जाएगा, फिर गोलगप्पे वाले की म्यूजिक लगेगी। गोलगप्पे वाला आया, काले कुत्ते लेके आया। करो कितनी बच्चा पार्टी जमा हो गई है, मगर कोई इनके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि आपके भाई के जो डॉग्स है ना, जो हस्की हैं, उनका भरम ही कुछ अलग है ना। ये देख रहे हो कितना दूर से खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा, वरना कैसे घुस रहे होते थे सारे। अब आओ ना करीब, कोई आके दिखाए अगर हिम्मत है तो। सारे के सारे डर गए। ये देखो कैसे भागे, ये देखो ओ भाई साहब सारे के सारे भागे, ये होता है खौफ। अबे सालो ये कोई गाय है क्या, तुम लोग ऐसे होए होए कर रहे हो। अबे भाई साहब ये बच्चे ना किसी के नहीं होते, ये बच्चे ना बड़े डैश के बच्चे होते हैं, मतलब अच्छे माँ बाप के बच्चे। तो अब इनकी फैन फॉलोइंग चेक कर रहे हो, ये देखो फुल फैन फॉलोइंग, कितने लोग आ गए इसको देखने के लिए। गाइस मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, सिट सिट बैठ के पानी पियो, शेक हैंड। ये शेक हैंड, गुड गर्ल, ये बहुत अच्छी बच्ची है और ये गंदा बच्चा है। फाद भाई के पास बस आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, मगर चेक करो दोस्ती कैसी हो गई है। चलो गाइस फाइनली अब बारी आ चुकी है हस्कियों को नहलाने की, तुम लोग तैयार हो ना हस्कियों, हस्की बाजी और हस्की भाई तुम दोनों तैयार हो ना आने के लिए, बाल्टी वाल्टी भी तैयार कर रही है। तुम लोगों को एक बात बताऊं, आज सिर्फ दो हस्की नहीं नहाएंगे, आज एक और हस्की भी नहाएगा, दिखाऊं तुम लोगों को। ये चेक करो भाई, माशाल्लाह से हमारे जो अपने प्यारे प्यारे से हस्की है ना, इनको सिर्फ नहलाने के लिए ना आपका भाई धूप का इंतजार कर रहा था। अब चेक करो माशाल्लाह से कड़क धूप निकल गई है, अब इनको सुकून से हम नहला सकते हैं और इनको सर्दी वर्दी भी नहीं लगेगी। जल्दी से इस बाल्टी के अंदर शैम्पू खोल के डालते हैं और इन हस्कियों को नहलाते हैं। अब हमारे जो हस्की है ना वो बिल्कुल भालू जैसे हो जाएंगे, नरम नरम, अभी थोड़े से गंदे गंदे हो रहे हैं। माशाल्लाह साहब के लिए एक शेर अर्ज है, शेर भी तुम और चीते भी तुम, कल की कुत्तों की रेस में हारे भी तुम। चलो भाई फाइनली अब इसके अंदर शैम्पू डल रहा है और फुल झोंक बनाओगे फिर इनको नहलाएंगे, सारा का सारा शैम्पू डालते। ये चेक करो हमारे पास ना इनका झामा भी मौजूद है, झामा फुल लगाएंगे फिर उसके बाद इनको नहलाएंगे। हस्की भाई और हस्की बाजी तुम दोनों तैयार हो ना नहाने के लिए, बताओ बताओ तैयार हो ना? अबे हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ मैं भी तैयार हूँ यार, मेरे पहले शोहर को नहलाना फिर उसके बाद मुझे नहलाना। हाँ पहले मुझे नहलाना फिर मेरी बीवी को नहलाना। अच्छा ना हस्की भाई ठीक है ना, तुम्हारी वाइफ को पहले नहीं नहला रहा, आपको पहले नहला रहा हूँ। लेडीज फर्स्ट होती है ना, नहला दे उसको। अबे कोई मसला हो ही नहीं रहा इसको तो। ओ भाई अबे भाई नहा रहा सुकून से भाई। फाइनली अब इसके ऊपर जल्दी से झाग लगाते हैं, इससे पहले कि इसको सर्दी लगे जल्दी जल्दी इसको मांझ देते हैं। यार ये तो बिल्कुल सुकून से खड़े हो गए नहा रहे हैं, अब तो और प्यारा हो जाएगा, ये खूबसूरत हो जाएगा। चलो गाइस फाइनली हमने शैम्पू लगा दिया है अपनी हस्की बाजी पर और अभी हस्की भाई पे भी लगाएंगे फुल, आज ये नरम नरम हो जाएंगे, नरम नरम। ये चेक करो, तेरी और मेरी आज बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, कुत्तों को नहला लेगी, बचपन से हमारी ख्वाहिश थी कुत्तों को नहला। ये कुत्ते नहीं है हस्की, बोलो हस्की कुत्ते की नस्ल है ना, है तो कुत्ते की नस्ल। इनको ऐसी पानी डालना पड़ेगा, इधर ही रहो, ये देखो कितने मजे ले रहे हैं और माशाल्लाह। इधर कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ सामने आओ, ये चेक करो माशाल्लाह, और खुद से नहा रहे हैं यार, जो बात है खुद से सुकून से चिल मार के। ये देखो कैसे हिल रहा है, खुद भी नहा रही है पैर से, ये देखो खुद भी पैर मार रही है। हाँ ये लो यहाँ ही है, अच्छा यहाँ खो जाऊँ, खुद बता रही है, देखो पैर ऊपर करके यहाँ खो जाऊँ, हाँ यहाँ खो जाना, ये लो। पता रात को 4 बजे कुत्ते की मुझे कॉल आई, 4 बजे कॉल करके मुझे क्या बोलता है, क्या बोलता है?
ओ भाई पानी कैसा सुखाते हैं यार। चलो भाई अब इसको भी नहलाना है, सारा झाग इसका निकालना है। झाग निकालेंगे तो फिर इनको सुकून मिलेगा, वरना झाग अंदर रह जाएगा, इतने बाल हैं भाई इसके तो। अबे भाई साहब ये क्या कर रहा है, हस्की लग ही नहीं रहा कहीं से, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अबे तू तो कोई और ही नस्ली कुत्ता लग रहा है, ये तो लेंडी कुत्ता लग रहा है। अभी इस वक्त कोई अगर इसको देखेगा ना ये तो बोल ही नहीं सकता यार ये हस्की है। धूप में इनको नहलाना लाजमी है, और उसके अलावा अगर आप इनको सुखाओगे नहीं ना तो इनको टिक्स हो जाते हैं। टिक्स एक कीड़ा होता है जो पानी से पैदा होता है डॉग्स में, वो पैदा हो जाता है अगर इनको सुखाएंगे नहीं। और धूप में नहलाना चाहिए इनको ना, वरना सर्दी लग जाती है। ओए इधर आ, खड़ा हो इधर से, चुप बैठ बैठ इधर बैठ, शेक हैंड शेक हैंड शेख हैंड, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सर, पहली मर्तबा देखा ससुर अपने दामाद और बहू को नहला रहा है। ये देखो भाई नहाने के बाद ये लोग लड़ते हैं साले। ओ भाई साहब लड़ाई हो गई है, ये नहाने के बाद हमेशा फड्डाबाजी इनकी शुरू हो जाती है। बस बस फड्डेबाजी खत्म करो, फड्डेबाजी खत्म, बस बस बहुत हो गया लड़ाई, बस बोला ना बस कर। ये देख रहे हो मेरी बात मानते हैं, फुल वाइट वाइट आ गया। अभी इसका ना थोड़ा गंदा गंदा सा हो रहा था, अभी ये फुल वाइट हो गया, चिकना हो गया फुल। तुमने इन दोनों को नहला दिया, ये चिकना हो गया वो चिकनी हो गई। इनकी खास बात बताऊं क्या है, ये लॉक लगा लेते हैं, मतलब ताले को लॉक लगा लेते हैं, ताला खुलता नहीं है। इनका एक दिन का जो खर्चा है ना वो ₹1,000। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, ₹1,000 एक दिन का खर्चा है इनका, तो कितना पैसा बन गया 30 दिन का। ये ले भाई खा यार, ये ले भाई तू भी खा यार। ऐसे तो इनको बॉईल करके देना पड़ता है चिकन, अभी साला गैस ही नहीं आ रही, आपको तो पता है कराची का कितना खराब हालात है। अब गैस जब आएगी जब इनको बॉईल करके दूंगा, अभी तो इनको कच्चा दे रहा हूँ क्योंकि इनका खाने का टाइम हो गया। आ करो ये लो तुम भी खाओ। अबे भाई ये मेरा हाथ ही ना खा ले कहीं। ₹500 का एक टाइम, फिर ₹500 का एक और टाइम। भाई इनके अंदर इतना सेंस है कि जिस जगह पे ये लोग रहते हैं ना वहां पर कभी भी पॉटी पिशी नहीं करते, मतलब इतना सेंस है यार इन लोगों के अंदर। इन लोगों को ना बाहर लेके जाना पड़ता है पॉटी पिशी कराने के लिए। आ जाओ मेरे साथ साथ, आ जाओ भागो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये देख रहे हो मेरे साथ साथ आते हैं क्योंकि इनको पता चल गया भाई ये हमारा मालिक है। अबे भाई ये तो मेरे को ही खींच देते हैं। भाई साहब ये देखो पेशाब कर रहा है, ये ऊपर घर पे नहीं करते मेरे पिशी विशी, यहीं पे आके करते हैं, यहीं आके करते हैं पॉटी पिशी, घर पे कभी भी नहीं करेंगे भाई ये, मतलब अलग ही सीन है इनका। कर दी, कर रही है भाई, कर रही है हड़ ले। अबे भाई साहब ये बिल्ली के पीछे इतने पागल हैं, बिल्ली के पास जाने के लिए कितने पागल हो रहे हैं, ये देखो। ओ भाई अबे बस करो। एक समझ लो एक चुनौती है इनको टहलाना, और बिल्ली अगर दिख जाए ना फिर तो मतलब दिवालिया निकल गया बंदे का। इस वक्त मेरी हालत जो है ना फुल पतली हो चुकी है इनको टहला टहला के। बिल्ली को देख लेते ना फिर ये खींच खींच के अपनी मतलब लेके वाट लगा देते हैं हाथों की। बस अब इनको घर पे लेके जाते हैं भाई, वरना तो ये दिवालिया निकाल देंगे मेरा, इससे पहले कि कोई सीन हो कोई चीज़ इनको नज़र आए, क्योंकि इनकी नाक इतनी तेज़ है फौरन बिल्ली की फौरन तलाश कर लेते हैं। बिल्लियों से बड़ी नफरत है इनको। चलें भाई हस्की भाई, चलो भाई गुस्सा वुस्सा छोड़ दो, बस करो हर चीज़ में गुस्सा छोटी छोटी चीज़ों में। जो लोग आपके भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं ना उन लोगों को तो पता ही होगा फात भाई जो है ना फुल शशके वाली शूट वगैरह करवाता है। ये चेक करो फात भाई का गेटअप नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये चेक करो फात भाई के शूज देखो भाई साहब, और पैंट चेक करो भाई साहब खतरनाक काली कलर की शर्ट, बाइक चेक करो कैसी कैसी है, सामने गाड़ी देखो, हर चीज यूनिक है ना यहाँ पर। अगर तुम लोग फात भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो ना, और अगर नहीं भी करते तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट आता है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का आता है। भाई साहब ये चेक करो ये सामने वाली लोकेशन, यहाँ पे अभी आपके भाई ने पिक्चर खिंचवाई है, ये चेक करो ये वाली बाइक चेक करो कितनी टाइट लग रही है, और ये वाली सीढ़ियों की लोकेशन देखो। भाई साहब फुल क्रिएटिव शूट करवाता है आपका भाई ना, मतलब हल्के में आने वाला सीन ही नहीं। लुक से लेकर फात भाई की चीजें चेक करो बस, मतलब ये वाली बाइक चेक करो, CD175 मतलब 175, ये कौन सी पंचायत है भाई, ये कौन सी बाइक है, और ये फात भाई के जूते देख कर रहे हो आप, मतलब किसी को मार दिए ना अगर वो तो भाई फारिग हो जाएगा कसम से। ये सारा प्रोटोकॉल जो है ना ये है इंस्टाग्राम के लिए, ये तुम लोग समझ लो स्पॉन्सर फात भाई अपने, फॉलो नहीं किया ना फात भाई को इंस्टाग्राम पर पहली फुर्सत में जाके कर लो, क्योंकि फात भाई फुल क्रिएटिव शूट करवाते हैं, ये चेक करो मतलब भाई तुम लोग फॉलो ही नहीं करते इंस्टाग्राम पर, जल्दी से फॉलो कर लो पहली फुर्सत में।